रतलाम में आज मूसलाधार बारिश का दौर बीते 3 घंटों से जारी है। आलम यह है कि शहर के कई इलाकों में पानी भरा गया है और अभी हम खड़े हैं रतलाम के सबसे ज़्यादा व्यस्त कहे जाने वाले न्यू रोड इलाके में और आपको तस्वीर दिखाता हूं मैं। सड़क पे करीब 2 से 3 फीट तक पानी है, कारों को भी निकलने में यहाँ पर मुश्किलें हो रही है। देखिए लोग कैसे इंजॉय भी यहाँ पर कर रहे हैं लेकिन मुश्किलें खासी है। और ये जो पूरा इलाका है वो पूरा जो है आप खुद देख सकते हैं, यहाँ आगे भी तालाब जैसा नज़ारा यहाँ पे दिख रहा है। तो ये नज़ारे बताते हैं कि किस तरह की तैयारी है रतलाम नगर निगम की बारिश से निपटने के लिए। वो देखिए जो बहुत सारी बाइक्स है वो यहाँ पानी में गिर गई है और लोग इंजॉय भी कर रहे हैं। सर पहली बारिश है रतलाम में, तेज कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, मज़े ले रहे हैं लोग। लेकिन कुछ लोगों के लिए बारिश मुसीबत का भी सबक बनती नज़र आ रही है। ये पूरी न्यू रोड का नज़ारा आप देखिए, दूर तक के देखिए आप तो पूरी जो सड़क है वो तालाब जैसी नज़र आ रही है। तो ये पोल खोल रही है तस्वीरें रतलाम नगर निगम की कि कितना पानी यहाँ पर सड़कों पर भरा हुआ है। और ये देखिए दुकानदार वहाँ से हाथ हिला रहे हैं। तो आज पहली बारिश रतलाम में तेज़ हुई है बीते 2 घंटों से, जो कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुसीबत बनती नज़र आ रही है। कैमरामैन नरेंद्र के साथ सुधीर जैन, न्यूज़ 18 रतलाम।